अभी वो कुत्ता भोग रहा है साला अभी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी किसी ने भी ऐसे एक्सपोज वाली वीडियो डाल दी फेक प्रूफ के साथ, साथ ही साथ फेक प्रूफ के साथ, तुम असली में हमने कोई गलती की है तो हमें बताओ भाई, हमें एक्सपोज करो, हमसे कोई असलियत में गलती की है तो बताओ भाई, हम मान लेंगे भाई उसको, हमारी गलती मान लेंगे। लेकिन ऐसे फेक प्रूफ के साथ अगर हम, अगर आप ऐसा करोगे तो हम स्ट्राइक दे देंगे, खुल्लम खुल्ला दे रहे हो, फिर हमारे पास रोते रोते मत आना कि भाई हमारी स्ट्राइक हटा दो भाई। तेरा उठता ही रे बड़वे। आज के ये वीडियो में तुम सभी को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद तुम एक ही चीज बोलोगे, अरे बहनचोद ये भी मादरचोद निकला। आज के ये वीडियो में तुम बहुत चीजें देखने वाले हो। बेसिकली आज के ये वीडियो में तुम्हें कुछ असलियत जानने को मिलेगा। बाय द वे माय फेवरेट यूट्यूबर ज्ञान सुजन, भाई ये तो सभी को पता है कि ज्ञान गेमिंग का चैनल हैक हो चुका है, एंड आई नो कि कैसा फील होता है चैनल हैक होने पे। अब ज्ञान का चैनल कैसे हैक हुआ ये तो मेरे को प्रॉपर्ली नहीं पता, वरना जहां तक मेरे को पता चला है वो कुछ ये है कि ज्ञान के चैनल का एक्सेस किसी और के पास भी था। चैनल का एक्सेस किसके पास था वो तुम्हें पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक। अगर अभी नाम बता दूंगा तो तुम्हें समझेगा नहीं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा बट तुम्हें फिर भी पता चल जाएगा। अपना सभी को तो पता ही होगा कि फ्री फायर मैक्स आने वाला है। अब फ्री फायर मैक्स ढंग से आया नहीं कि कंटेंट बनना चालू हो गए। अब नॉर्मल कंटेंट तक तो ठीक है बट मैक्स को लेके कंटेंट निकालने के लिए बकचोदी करना भी स्टार्ट हो गया। अपना ये सदियों से चला आ रहा है, अगर कोई भी नया चीज आता है फ्री फायर में बेसिकली अगर किसी के लौड़े लगते तब कंटेंट बन जाता है, अगर गेम में कोई नई चीज आती है तब कंटेंट बन जाता है, गेम में कोई चीज आने वाली है तब कंटेंट बन जाता है, अगर गेम में कोई चीज आ की नहीं आ रही है तब कंटेंट बन जाता है। मतलब इतना समझ लो कि कंटेंट बनना निश्चित है कुछ हो या ना हो। फ्री फायर मैक्स कैसा होने वाला है तो वो तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने भैया वीडियो डाल रखा है। अब चलो यहाँ पे अपने ओपिनियंस पेलते हैं। फ्री फायर मैक्स का जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगा वो है ग्राफिक, मतलब गाड़ फाड़ क्या ही डिटेलिंग में है चीजें। अपना मैं सिर्फ वीडियो देख के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गेम को ट्राई नहीं किया, देखने में इतना सुपर्ब लग रहा है तो खेलने में तो बहुत मजा आएगा। एंड आई होप कि फ्री फायर मैक्स में खिड़की वाला ग्लिच ना हो, नहीं तो जितना तारीफ कर रहे हैं उतनी गालियां निकलेगी। अपना जहां तक मेरे को लगता है कि फ्री फायर मैक्स में तुम्हें उतने माइनर ग्लिचेस देखने को नहीं मिलेंगे जो फ्री फायर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्री फायर मैक्स की बातें पिछले एक साल से हो रही है एंड अब जाके फाइनली गेम रिलीज होने वाला है, एंड अगर इतने टाइम के बाद भी इसमें कुछ ग्लिचेस देखने को मिले तो पक्का प्लेयर्स डिसअपॉइंट होने वाले हैं, अगर वो ग्लिच प्लेयर्स की गेम में दिक्कत दे तो। अपना एक और बात, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि फ्री फायर मैक्स सिर्फ हाई एंड डिवाइस में चलेगा, तो भाई ये चीज फेयर नहीं है क्योंकि हमारे पास तो लो एंड डिवाइस है, तो ऐसा भैया कुछ लोगों का कहना है। अब देखो सिंपल सी बात है, 2-3-4 GB रैम वाले डिवाइसेस का तो भूल जाओ कि उसमें फ्री फायर मैक्स स्मूथली रन होगा, और इस पे ये बोलना कि गेम गलत कर रहा है तो ये घंटा सही है। अगर गरेना चाहता तो वही फ्री फायर की क्वालिटी को एनहेंस कर देता, मतलब सब कुछ एकदम अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, पर गरेना को पता है ना कि मैक्सिमम लोगों के पास लो एंड डिवाइस है, अगर वो फ्री फायर में कुछ चेंजेस करेंगे तो लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए फ्री फायर मैक्स को बनाया गया है ताकि प्लेयर्स को अलग एक्सपीरियंस मिले। तो खेल के ही पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैंने देखा है कि इसमें सभी चीजें चेंज हुई है, साउंड से लेके गाड़ी स्टार्ट होने के साउंड तक, मतलब हर एक चीजों को रिवैम करके एनहेंस किया गया है। तो देखते हैं कैसा होगा एक्सपीरियंस। अब किसी ने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे, डूड कम से कम खुद आके डिफेंड किया कर बातों को, ये तेरे टट्टे उड़ के कहां से आ रहे हैं। देख सबको पता है कि तेरे गिल्ड की ग्लोरी इतनी ज्यादा कैसे, अगर तुम्हारी पास्ट की चीजें निकाले तो तुम्हारे लौड़े लगने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात ये है ना कि पास्ट की चीजों पे क्या बोलना, देख तेरा सुपर चैट वाला धंधा सभी को पता है, इस बार इसने कॉल नहीं किया, इस बार इसने सीधा वीडियो डाला क्योंकि इसे अच्छे से पता था कि कॉल करने में उतना ही बेवकूफी होगा जितना IGL को समझाने में। अपना जब भी कोई बंदे के ऊपर बातें उठे और जब वो बंदा बातों को डिफेंड ना कर पा रहा हो तब एक ही रास्ता बचता है कि अगर किसी ने ये यूज किया तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा, जैसा बच्चे करते हैं ना कि मैं टीचर को बोल दूंगा मम्मी को बोल दूंगा, तो वैसे ही इन चूतियों का कहना रहता है कि मैं स्ट्राइक मार दूंगा। तुम लोगों को क्या यूट्यूब की पॉलिसी पता है बे? अब देखो अगर ये किसी के वीडियो पे स्ट्राइक मारता है तो गलत यही होगा। इसका ये भी कहना था कि चैट एडिटेड थे नकली, चलते रहे हिसाब से एक बार मान लिया कि चैट नकली थे, पर क्या 40-50 हजार का मल्टीपल टाइम सुपर चैट नकली हो सकता है? अब ये तो बिल्कुल मत बोलना कि वो मेरा फैन है, मेरा सब्सक्राइबर है इसलिए दिया, कि ये बात सभी को पता चल गया था कि कहां से तेरे सुपर चैट आ रहे थे। वैसे अभी तो तुम मिलियन पे चल रहे हो, अभी क्यों नहीं सुपर चैट आते हैं बे? अरे हाँ, अभी तो लोग समझदार हो चुके हैं ना, जो देंगे ना। और जो ये बोल रहा है ना कि हमने जो भी दिखाया वो फेक था, ठीक है भाई अब तू एक और वीडियो बना तब मैं कुछ और दिखाता हूं, और वो दिखाने के बाद तेरी तीसरी वीडियो नहीं बनेगी। देख मैं ये सीधा तेरे को बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है, ये सब धंधे छोड़ दे, ये ऑडियंस के लिए तू बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत अच्छा यूट्यूबर है, ये सब करके क्यों अपना नाम खराब कर रहा है? ये सब चुतिया पे से जितना हो सकता है उतना दूर रहे और अपने कंटेंट पे फोकस कर, ना कि फर्जी काम से ग्लोरी बढ़ाने पे। अब देखो वैसे यही अकेला नहीं है जो ग्लोरी बढ़ाने के लिए फर्जी काम करता है, ऐसे कुछ और भी है, पर जाने दो। इसका क्या था, ये स्पीड में ऊपर आया था, बाकी धीरे धीरे आ रहे थे, तेजी के चलते ये पेले गए। तो भैया कृपया करके स्टॉप दिस। अब ना मैं तुम सभी को जादूगरों से मिलाता हूं। इनका जादू ऐसा जादू है जिसे देख के तुम शॉक हो जाओगे, हक्का बक्का हो जाओगे। तुम लोगों को मैंने बहुत जादूगरों से मिलाया, आईडीज का जादू करने वाले, पैसों का जादू करने वाले, हैक का जादू करने वाले, एक्सेट्रा। ये जादूगर थोड़ा डिफरेंट है,
और ये चीज ये करेगा इससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही तुम लोगों ने किया होगा। फ्री फायर में फर्जी काम करना तो बहुत सालों से चला आ रहा है, तो उन्हीं में से एक काम ये शख्स ने भी किया है और शायद ये भाई एक गिल्ड के लीडर है। अब देख मैं ये सीधा तेरे को बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो के बाद तू ये प्रूफ कर दे कि ये चीज मैंने नहीं किया हूँ, अगर तू ये प्रूफ कर देगा तो मैं ये वीडियो को प्राइवेट कर लूंगा। और मेरे को नहीं लगता कि तू ये प्रूफ कर पाएगा। तो हर फर्जी स्ट्रीमर की तरह ये भाई भी बॉट वॉचिंग लाते हैं। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं कि बॉट वॉचिंग क्या होता है, क्योंकि भाई नॉर्मल सा है, सभी को पता है। जैसा कुछ तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अमित कुमार जिसके स्ट्रीम पे 1000 प्लस की वॉचिंग चल रही है विद जीरो लाइक्स। अब 1000 के वॉचिंग पे एक भी लाइक ना हो तो भैया ऐसा होना तो कतई इम्पॉसिबल है। अब ये अमित कुमार से तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, बट अगर तुम थंबनेल देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें कोई जाना माना शख्स देखने को मिलेगा। अब तुम लोग ये तो जरूर सोच रहे होगे कि भाई ये यूट्यूब पे बॉट वॉचिंग क्यों चला रहा है, ना ही इसके सब्सक्राइबर्स है और ना ही कोई देख रहा है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं कि अगर तुम यहाँ पे स्ट्रीम कर रहे हो और यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हो एट अ सेम टाइम, तो जितनी वॉचिंग तुम्हारे यूट्यूब पे होगी तो उतना वॉचिंग तुम्हारे भुइया पे भी होगा। अब ये जो मैं तुम्हें वीडियो दिखाया हूँ ये तो कुछ नहीं है, इधर पे ये भाई का स्ट्रीम करने का असली मकसद है ताकि भुइया पे ताकि ये सेम नंबर ऑफ वॉचिंग भुइया पे आ जाए और किसी को पता भी ना चले। और ये देखने के बाद तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्रिएटिविटी तो बहुत है लोगों में। अब मुझे जो चीज तुम लोगों को दिखाना है वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता कुछ इश्यूज की वजह से, जैसे कि पिछले बार हुआ था, तो उस चीज को मैं यहाँ नहीं डाल सकता, इसलिए वो चीज को मैंने डाला है IGTV पे। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं जाके इंस्टाग्राम पे IGTV का सेक्शन चेक कर लेना, भाई तुम्हें बहुत अमेजिंग चीज देखने को मिलेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वो वीडियो को देख लो। एंड हो सके तो आज अपन लाइव भी आ सकते हैं सेकंड चैनल पे, अगर लाइव आए तो तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा। एंड सेकंड चैनल पे अपन ने अपना सेकंड व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो जिसने भी नहीं देखा जाके देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट कर देना। एंड ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, 300K पहुंचना है। सो दिस वाज क्लैशर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बंद करो चुदिया पा।